भारत एक विविधताओं का देश है। यहाँ पर मौसम के हर रंग को आप महसूस कर सकते हैं। भारत में जहाँ विशेष रूप से 6 ऋतुओं को महत्वपूर्ण माना जाता है, ग्रीष्म, शीत, वर्षा, हेमंत, बसंत व शिशिर ऋतु, सभी ऋतुओं का अपना अपना महत्व, अपनी पहचान है। भारत में सर्दियों का आनंद लेने के लिए शरद ऋतु की संज्ञा दी गई है। शरद यानी सर्दियों का मौसम। भारत के कई इलाकों में ये तो साल भर यह मौसम बना रहता है, किंतु विशेषकर नवंबर से फरवरी के बीच में भारत में सर्दियां अपने चरम पर होती हैं, जहां आपको धुंधली ओस से भरी सुबह की कपकपी से दिन की हल्की धूप का आनंद मिलेगा। शाम की ठिठुरती चाय का स्वाद आपको गर्माहट देगा। सफ़ेद चादर ओढ़े हुए हिमालय, जमी हुई झीलें, स्काइंग अभियान उत्तर में आपको रोमांचक अनुभव प्रदान करेगा। वहीं दक्षिण के खूबसूरत सुनहरे समुद्र तट, मनोरंजक झरने और हरी भरी हरियाली आपको शानदार दृश्य प्रदान करेगी। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से भारत की 10 उन खास जगहों के बारे में बताने वाले हैं, जहां आप सर्दियों में अपने परिवार और साथी संग घूमकर शानदार अनुभव कर सकते हैं। नंबर 1, कश्मीर। पहाड़ी इलाकों में घूमने जाने का नाम आते ही सबसे पहले जहन में धरती के स्वर्ग कश्मीर का नाम आता है। धरती पर अगर जन्नत का नजारा देखना है तो कश्मीर से सुंदर कुछ भी नहीं है। कश्मीर हमारे विंटर हॉलिडे डेस्टिनेशन की लिस्ट में सबसे ऊपर है। यहाँ बर्फ से ढकी वादियां देखकर आप ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे पूरी घाटी रुई से ढकी हुई हो। कश्मीर के सेब दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा आप गुलमर्ग, श्रीनगर, सोनमर्ग और पहलगाम भी जा सकते हैं। नंबर 2, अंडमान द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह सर्दियों के मौसम में भारत में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। आपको बता दें कि ठंड के मौसम में यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आकर पर्यटक शांति और सुकून अनुभव करते हैं। अंडमान निकोबार एक ऐसा द्वीप समूह है जो 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है, जिसमें सिर्फ कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं। बता दें कि अंडमान निकोबार द्वीप को गार्डन ऑफ इडन भी कहा जाता है। यहाँ आपको जगह जगह घने पेड़, जीव जंतु और समुद्री जीवन की विविधताएं देखने का मौका मिलेगा। खासतौर पर समुद्री जीवन और वाटर स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले लोगों को यह द्वीप बेहद पसंद आता है। अंडमान निकोबार टूरी पर्यटकों को भारत में अपने परिवार के साथ छुट्टियों का सबसे अधिक लाभ उठाने का अवसर प्रदान करता है। नंबर 3, गोवा। गोवा अपने फेमस बीच और सुंदर समुद्री तटों के साथ उठती गिरती लहरों को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटकों के लिए खास जगह है। गोवा घूमने के लिए भारत देश के सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है, जो अपने आकर्षक समुद्री तटों के लिए दुनिया भर में एक खास पर्यटन स्थल बन चुका है। पर्यटक गोवा आना बेहद पसंद करते हैं और यहाँ बीच के साथ धूप, रेत और सर्फिंग की जगह में मस्ती करना हर उम्र के लोगों को पसंद है। गोवा की यात्रा के लिए सबसे अनुकूल समय दिसंबर से मार्च महीने के दौरान, विशेष रूप से क्रिसमस और नए साल और गोवा कार्निवाल के दौरान होता है, जिसकी वजह से गोवा को सर्दियों में घूमने की अच्छी जगहों में से एक माना जाता है। नंबर 4, राजस्थान। भारत का पश्चिमी राज्य राजस्थान न केवल अपने प्राचीन महलों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपने रंग, परंपरा, संस्कृति और राजशाही इतिहास का एकदम सही मिश्रण है। राजस्थान छुट्टियों के गंतव्य के रूप में पर्यटकों, विशेष रूप से विदेशी पर्यटकों के बीच न बहुत लोकप्रिय है, बल्कि सर्दियों के दौरान राजस्थान में चरम मौसम परिवर्तन का अनुभव होता है, जिसे पर्यटकों के बीच काफ़ी सुखद माना जाता है। सर्दियों में राजस्थान घूमने की बात ही कुछ और होती है। उत्तरी भारत की और जगहों की तरह ही राजस्थान में भी अच्छी ठंड का अनुभव होता है, पर यह ठंड दुनिया के पश्चिमी देशों के मुकाबले थोड़ी हल्की होती है। इस जगह की खासियत है कि यह प्राचीन किले जहांगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान में महाराजाओं की संस्कृति और परंपरा के बारे में कुछ जादुई असर है, जिसे राज्यों में कई राजसी किले, चमकदार महलों, पारंपरिक लोकगीत और कठपुतली नाटक द्वारा देखा जा सकता है। यहाँ आकर आप इन कहानियों में ही गुम हो जाएंगे। नंबर 5, पांडिचेरी। पूर्व फ्रेंच कॉलोनी का यह शांत छोटा सा शहर अपनी औपनिवेशिक इमारतों, बीच और असली फ्रेंच फूड के लिए माना जाता है। अगर आप पांडिचेरी को अलग तरीके से जानना चाहते हैं तो हम आपको कुछ दिन ऑरविल में बिताने की सलाह देंगे, जो शांत और सुकून भरे सामुदायिक जीवन के लिए जाना जाता है। यह पॉटरी और पैटिसरी की बारीकी को सीखने में समय बिताएं। ऑरविल में बेकरी है, जहां आपको पारंपरिक फ्रेंच नाश्ते और अन्य फ्रेंच जायकों का स्वाद लेना चाहिए, जिनमें ब्रायोशे, कुकीज़, लेमन केक, फ्रूट टॉटर्स
और क्रीम पफ शामिल है। नंबर 6, सिक्किम। सिक्किम भारत का एक छोटा सा राज्य है और खूबसूरत पर्यटन स्थल है जो अपने पौधों, जीवों, नदियों, पहाड़ों, झीलों और झरनों से देश भर में प्रसिद्ध है। सिक्किम सर्दियों के मौसम में भारत में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। आपको बता दें कि सिक्किम का एक छोटा सा गांव जुलूक सर्दियों के मौसम में बहुत ही शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है जो कि एक जीवंत माहौल प्रदान करता है। सिक्किम राज्य अपने आकर्षक सुंदरता, साधनों, भव्य पहाड़ों, सुंदर झरनों और कुछ अद्भुत परिदृश्यों की वजह से देश भर के पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अगर आप एक प्रकृति प्रेमी हैं तो आपको सर्दियों के मौसम में सिक्किम की यात्रा जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा यह दुर्लभ पर्यटन स्थल पवित्र कुपूप झील और नाग मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है जो सर्दियों में बर्फ से ढके होने पर स्वप्न जैसा दिखता है। नंबर 7, लैंसडाउन। लैंसडाउन एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल पहाड़ियों के बीच स्थित लैंसडाउन है और सर्दियों में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। समुद्र तल से 5,670 फीट की ऊंचाई पर स्थित लैंसडाउन शहरी दुनिया से बिल्कुल अलग प्राचीन शहर है। लैंसडाउन की आबादी सिर्फ 20,000 के आसपास है। अगर आप सर्दियों के मौसम में घूमने की किसी अच्छी जगह की तलाश में हैं तो आपको लैंसडाउन की यात्रा जरूर करनी चाहिए। लैंसडाउन अपने चारों ओर से बर्फ से ढके पहाड़ों और हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है। सर्दियों के मौसम में यहाँ का नज़ारा सचमुच देखने लायक होता है और पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। नंबर 8, कसौली। कसौली हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो शिमला के रास्ते पर स्थित एक पहाड़ी छावनी शहर है। अगर आप सर्दियों के मौसम में शांतिपूर्ण छुट्टी मनाना चाहते हैं तो कसौली से अच्छी जगह आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। देवदार के सुंदर जंगलों के बीच स्थित कसौली ब्रिटिशों द्वारा निर्मित भव्य विक्टोरियन इमारतों के बीच काफी प्रसिद्ध है जिसका रहस्यमय इतिहास और निर्मल वातावरण पर्यटकों को अपनी तरफ खींचता चला जाता है। कसौली एक हिल स्टेशन है और इस क्षेत्र के घने जंगलों में कई तरह के जीवों की लुप्त प्राय प्रजातियां भी पाई जाती हैं। भले ही कसौली हिमाचल प्रदेश के अन्य पर्यटन स्थलों की तरह लोकप्रिय नहीं है लेकिन यहाँ का शांत वातावरण और आकर्षक शांति हर किसी को यहाँ आने के लिए मजबूर करती है। अगर आप ठंड के मौसम में घूमने की किसी अच्छी जगह की तलाश में तो कसौली से अच्छी जगह आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। कसौली अपने प्राकृतिक दृश्यों और शांत वातावरण से आपके मन को एक अद्भुत शांति प्रदान करेगा। नंबर 9, ऋषिकेश। गंगा और चंद्रभंगा के अभिसरण के साथ हिमालय की तलहटी में ऋषिकेश कई प्राचीन मंदिरों, लोकप्रिय कैफे, योग आश्रम और साहसिक खेलों जैसे आकर्षणों की वजह से पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ऋषिकेश में व्हाइट वाटर राफ्टिंग उद्योग के बढ़ने और कैंपिंग और कॉफी स्पॉट की संख्या बढ़ने के कारण ऋषिकेश अलग अलग जरूरतों वाले लोगों के लिए एक आदर्श पर्यटन स्थल बन चुका है। ऋषिकेश गंगा नदी के पवित्र तट पर स्थित है। यहाँ पर आध्यात्मिकता, योग, ध्यान और आयुर्वेद सिखाने वाले कई आश्रम हैं। पिछले कुछ सालों से ऋषिकेश को भारत में एडवेंचर स्पोर्ट्स केंद्र के रूप में भी विकसित किया गया है क्योंकि यहाँ व्हाइट वाटर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, फ्लाइंग फॉक्स, माउंटेन बाइकिंग आदि साहसिक खेल किए जाते हैं। नंबर 10, औली। औली उत्तराखंड का एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है जो देश भर से पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। औली समुद्र तल से 2800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और सर्दियों के मौसम में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। औली अपने ओकधार ढलानों और शकुंतरी जंगलों के लिए काफी प्रसिद्ध है। औली की यात्रा करने वाले पर्यटक नंदा देवी, मन पर्वत और कामत पर्वत श्रृंखलाओं के अद्भुत दृश्यों को देख सकते हैं। सर्दियों में औली का मौसम काफी अच्छा होता है। इस मौसम में पर्यटक औली में स्काइंग का मजा भी ले सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इनमें से किसी भी जगह पर विजिट किया है तो आपको इनमें से कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद आई हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलता हूँ एक और ऐसी वीडियो के साथ। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही दिया गया बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।